कर लिया गया है। यूपी एसटीएफ ने महेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी महेंद्र शर्मा हरियाणा के जींद का रहने वाला है और आरोपी के मोबाइल से पेपर के फोटो और जवाब भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद अब इससे पूछताछ लगातार जारी है। भारत इज राइजिंग। अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। $5 trillion इकोनॉमी की ओर सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का मार्गदर्शक, दुनिया के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने का संकल्प, वर्ल्ड लीडर्स के लिए उम्मीदों का केंद्र, ये संकेत है एक नई शक्ति के उदय का। ड्रीम स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान टाइम्स 19 और 20 मार्च। अरे कहाँ रेडियो कोटे से अशोक चौधरी, रत्नेश सदा, माहेश्वर हजारी समेत कुछ और चेहरे हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। सुपर 10 में दूसरी खबर, बीजेपी ने जारी की 72 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। नागपुर से नितिन गडकरी, मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, गढ़वाल से अनिल बलूनी और करनाल से मनोहर लाल खट्टर को टिकट। और सुपर 10 की पहली खबर, न्यूज 18 इंडिया के मेगा ओपिनियन पोल में अब तक आई 242 सीटों में एनडीए को 174 सीटें मिलने का अनुमान, इंडी गठबंधन को 61 और अन्य को 7 सीट मिलने के कयास। शाम 6 बजे से देखिए बाकी बची 301 सीटों का मेगा ओपिनियन पोल। और मेगा ओपिनियन में अगर हम केरल की बात करें, दक्षिण के इस राज्य की, तो एनडीए को 2 सीटें दी गई हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर से बात की हमारी संवाददाता नीतू ने, जरा सुनिए क्या कहना था उनका। In an opinion poll of CNN News 18, they have given 2 seats to NDA in the state of Kerala. How do you see this? No, I am more optimistic than the number 2. I can see very clearly that there is a very strong, huge undercurrent of voters that want NDA MPs. They are, you know, that there is a backdrop of how the state economy has been mismanaged and how the Supreme Court is having to say that please bail out the state. Plus, the people are aware of what the Congress MPs have done when they were in power. और देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में अब हम जिक्र करेंगे बिहार का। बिहार में एनडीए को 40 में से 38 सीटें मिलने का अनुमान है और यहां से एनडीए गठबंधन के हिस्से सिर्फ 2 सीटें आ सकती हैं। वोट शेयर की बात अगर करें तो बिहार में एनडीए गठबंधन का वोट प्रतिशत 58% तक पहुंच सकता है। इसके अलावा बिहार में एनडीए गठबंधन का वोट शेयर 28% हो सकता है। तो यह तस्वीर हम आपको बता रहे हैं बिहार में क्या होगा। तो एनडीए को 28% एनडीए गठबंधन को, जबकि 14% अन्य के खाते में, ऐसा अनुमान है ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में।